आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जब एक न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो रेस्टिंग कहते हैं तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कैसी है कंपैरेटिवली ज़्यादा परमिएबल है पोटेशियम आयन के लिए और इम्परमीएबल है सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमीएबल लगभग और सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमीएबल है जो एग्जोप्लाज्म में प्रेजेंट है या ए एंड बी दोनों ही चीजें होती हैं या फिर सोडियम के लिए ज्यादा पमिएबल होती है पोटेशियम आयन के कम्पेरिजन में तो क्या होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं रेस्टिंग मेमब्रेन ये कौन सी कंडीशन है कि जब हमारा जो एक्जोन है वो नहीं कर रहा होता कोई भी इम्पल्स की प्रोपोगेशन तो हम लिख सकते हैं दैट नो प्रगेशन किस चीज की ऑफ इम्पल्स इम्पल्स की कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होती अब क्योंकि जो जैसे ही इंपल्स जो है वो न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पास होती है तो जो कंडक्टिविटी होती है आयन्स की पिछले पार्ट में वो कम हो जाती है अगले वाले पार्ट से लेट से ये एक एक्स और एक वाई ये हमारा न्यूरॉन का पार्ट है तो जब हमारा जो ये इम्पल्स है ये एक्स टू वाई जाएगी तो जो हमारी इसकी पिछले पार्ट की जो हमारी कंसेंट्रेशन थी जो कंडक्टिविटी थी आयन की वो डिक्रीज हो जाती है अब इससे क्या होता है कि जो आयन चैनल्स हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं इतनी बात हमें समझ आई कि जब इम्पल्स की कोई भी मूवमेंट होती है तो वो कैसे होती है न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होती है तो जब वो न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर पास हुई तो जो पहले वाले पार्ट की जो हमारी कंडक्टिविटी थी आयंस की वो डिक्रीज हो रही है तो जिसकी वजह से जो आयन चैनल्स हैं वो बंद हो रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया आयन के जो चैनल्स हैं वो क्लोज हो गए इतनी बात हमें क्लियर है कि इस स्टेज के ड्यूरिंग क्या होता है जो हमारे पोटेशियम के आयन होते हैं यानी कि हमारे के प्लस आयन जो होते हैं वो उनके जो चैनल्स हैं पोटेशियम आयन के जो चैनल हैं वो खुले रहते हैं क्योंकि वो स्लो वर्कर होते हैं ये हमारे ओपन होते हैं और हम सोचें कि क्यों ओपन है बिकॉज ये स्लो वर्कर हैं और इन्हें हम कहते हैं लेजी चैनल्स भी कहते हैं इस वजह से तो इन चैनल्स को हम और क्या नाम देते हैं हम इन्हें कहते हैं लेजी चैनल्स अब ये जो है ये ज्यादा टाइम लेते हैं बंद होने में और इसीलिए ये खुले रहते हैं तो सोडियम के जो चैनल हैं वो बंद हो जाते हैं जैसे ही वो इम्पल्स पास ऑफ हुई क्योंकि जो पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो खुले हुए हैं तो जो पोटेशियम है वो तो अपना पास ही कर सकता है तो उसकी परमीएबिलिटी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसके चैनल तो ओपन है तो जो पोटेशियम की जो परमीएबिलिटी होगी मतलब पास होने की क्षमता वो कैसी होगी वो ज्यादा होगी और क्योंकि सोडियम के चैनल्स जो हैं वो तो बंद हो चुके हैं तो इसकी जो परमिएबिलिटी है वो कम होगी तो अब क्या होगा मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम के लिए इम्परमीएबल हो जाएगी इम्परमीएबल हो गई सोडियम के लिए तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की उसमें ज्यादा पोटेशियम आयन होते हैं अंदर और ज्यादा सोडियम आयन होते हैं बाहर तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए की कंपैरेटिवली ज्यादा पोटेशियम आयन परमीएबल होगा और सोडियम जो है वो नियरली इम हो जाएगा ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन वन कंपैरेटिवली मोर परमीबल टू के प्लस एंड इम टू एन ए प्लस क्लास सिक्स से लेके नीट आईआईटी आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा है आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर